नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लोकेश योगी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे विचार के बारे में जानेंगे जिस विचार के आने के बाद हमारा मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाता है। ये कुछ इस तरह से है कि एक ऐसा मजबूत ताला, अगर जिसे हम खोलना चाहते हैं और उसके लिए एक छोटी सी चाबी अगर हम काम में लें, तो ताला कितना ही मजबूत क्यों ना हो, आहिस्ता से खुल जाएगा। हमारे मन में इसी तरह से बहुत सारे मजबूत विचार चलते रहते हैं। कभी कभी सर भारी हो जाता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, हमारा मन विचलित हो उठता है। इस वजह से हम हमारे किसी जरूरी काम पे फोकस नहीं कर पाते और हम जीवन में जो वांछित सफलता चाहते हैं, जो कुछ हम पाना चाहते हैं, उन सब से वंचित रह जाते हैं। तो मन का शांत होना, विचार शून्य होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मन को विचार शून्य करने के लिए ऐसा कौन सा एक विचार है जिस विचार को आने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है? आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इस विचार को जानेंगे। इस विचार को जानने के लिए हमें एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को समझने के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करके मेरे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। एक एक वाक्य को ध्यान से समझने का प्रयास करें। जितना गहराई से आप समझेंगे, उतना ही ज़्यादा ये एक विचार आपके मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो आंखें बंद कर लें और आराम से जहाँ पे भी आप बैठे हैं वहाँ पे आराम से बैठ जाएं। आंखें बंद करके मेरे द्वारा कहे गए विचारों को ध्यान से सुने। आईज क्लोज, एक गहरी सांस अंदर और बाहर। इस एक विचार को जानने के लिए हम रात्रि के प्रहर के समय में चलते हैं, जब हम छत पर खड़े हैं। हम ऊपर की ओर आसमान में देखते हैं तो काला काला अंधकार नजर आता है। उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ सितारे नजर आते हैं जो टिमटिमाते रहते हैं। सूरज दिन में आता है, रात को चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, पर इन सब के बीच में जो काला अंधियारा है, जो अंधकार है, उसकी ओर अपना ध्यान लेके जाएं। ये काला अंधकार क्या है, किस से बना हुआ है? क्या यह कोई सख्त दीवार है? क्या यह इस ब्रह्मांड की सीमा है, अंतिम छोर है? इस प्रकार के प्रश्न अपने मस्तिष्क में लेके आए। इनका उत्तर शायद हमें अभी ना मालूम हो, पर जीवन में कभी कभी उत्तर से ज्यादा शांति प्रश्नों से भी मिलती है। ये प्रश्न उसी प्रकार के हैं। अगर ये ब्रह्मांड का अंतिम छोर है, ये काली सत निर्वात की सतह, तो क्या हम इस सख्त सतह को पुनः तोड़ सकते हैं, हथौड़ी से, छेनी से? और तोड़ के क्या हम
इस अंतिम छोर को और बड़ा कर सकते हैं, और बड़ा कर सकते हैं, अगर तर्क लगा के सोचा जाए तो इस ब्रह्मांड की कोई सीमा, कोई अंतिम छोर नहीं जान पड़ता। अगर कोई अंतिम छोर रहा भी होगा, मानो होगा भी, तो उसे किसी न किसी विधि स्वरूप जरूर तोड़ा जा सकता है और इस ब्रह्मांड की सीमा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो क्या वाकई में इस ब्रह्मांड की कोई सीमा है? क्या इसका कोई वाकई में आकार है? हमारे मस्तिष्क की तर्क क्षमता इसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी कि इस अंधकारमय काले ब्रह्मांड का कोई छोर नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक, अनंत तक फैला है। हमारा तर्क इसमें पूरी तरह से समा जाता है, इस ब्रह्मांड की अनंतता को महसूस करें, अपनी तार्किक मस्तिष्क से और मन के एहसास से। मस्तिष्क के तर्क और मन के एहसास का जब सामंजस्य मिलता है तो इस एक विचार कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, अगर इन दोनों का तालमेल, तर्क और एहसास एक साथ आपके मन मस्तिष्क में आता है तो तुरंत आपका मन विचार शून्य होने लगता है। बाकी सारे विचार इस एक विचार में समा जाते हैं, ब्रह्मांड अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, दूर 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 तक फैला हुआ है, बनाने वाले ने कैसे बनाया होगा, क्या ये अपने आप बना होगा? इसकी अनंतता में जब आप समाते हो, अपने मायावादी अहंकार को बड़ा सूक्ष्म पाते हो, और यही मायावादी अहंकार जब अति सूक्ष्म हो जाता है, आपको अपने मन के सच्चे नादंद शून्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त होता है और उसी में असीम शांति विराजमान है, असीम शांति का निवास है, उसी में डूब जाएं और मन को विचार शून्य कर दें। आप कोई नहीं हो, आपका अस्तित्व बहुत छोटा है इस ब्रह्मांड के अनंत आकार के आगे। आपका अस्तित्व छोटा, आपके जीवन की दैनिक दिनचर्याएं तो उससे भी छोटी, आपके सुख दुख, प्रतिस्पर्धा, कुछ पाने की लालसा, वो तो और भी ज़्यादा छोटे। अपने आप को इस ब्रह्मांड की अनंतता में डुबो दें, यही शांति का वास्तविक स्वरूप का दर्शन है, आनंद है। ये एक विचार है कि ब्रह्मांड अनंत है, ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, दूर दूर तक फैला है। एक गहरी सांस अंदर और बाहर, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्रक्रिया के तहत मन में शांति का अनुभव प्राप्त हुआ होगा और ये एक विचार है, ब्रह्मांड अनंत है।
इस विचार को आपको तर्क और मन के एहसास दोनों प्रक्रियाओं में एक साथ समझना होगा। जब आप दोनों प्रक्रियाओं के तहत एक साथ इस मन और मस्तिष्क में इसको आत्मसात कर लेंगे तो केवल एक विचार आपके अनंत जो अवांछित विचार है उनको पूरी तरह से समा लेगा कि ब्रह्मांड अनंत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।